हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति वसमिला। आज की वीडियो में हम माता रानी के लिए ये लहंगा बनाएंगे। ये हमने 8 इंच की माता रानी के लिए बनाया है। वीडियो के एंड में हमने पहना के भी दिखाया। आप वीडियो पूरी देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों का यूज़ किया है। एक तो आप देखें, इस तरह की चुनरी ले लें, ये देखिए, ये आपको मार्केट में 10 से 15 रुपये में मिल जाएगी। और थोड़े से बड़े साइज में लेंगे तो 20 से 25 रुपये में मिल जाएगी। तो आप इस तरह की चुनरी ले लें। और इस तरह से आप पोशाक लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, माता रानी के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे शटन रिबन का यूज़ किया, एक गोल्डन पतले लेस का यूज़ किया चुनरी, और अस्तर के लिए हमने कॉटन के फैब्रिक का यूज़ किया। साथ में हमने ये डोरी यूज़ की है। तो ये है हमारा लहंगा। साथ में हमने इसके बनाई है सिंपल और सुवर सी चोली, ये देखिए। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे ये येलो एंड रेड कलर में दुपट्टा। ये देखिए, दुपट्टे पे हमने ये काम किया है। तो ये हमारी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, मुझे वहाँ पर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फसमला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं माता रानी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये देखिए गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चुनरी ले ली है। ये आपको मार्केट में इजीली 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी। मैंने थोड़े से बड़े साइज के लिए, तो ये मुझे 25 रुपीज़ में मिली है। आप देखिए, ये इस तरह की चुनरी है, आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी ये लेस हटा के और इसे हम कट कर लेंगे। चलिए मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसे किस साइज़ में कट किया है। ये देखिए, हमने यहाँ पर कट कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसकी जो चौड़ाई है वो रखी है 6 इंच। और अगर आप टोटल लंबाई देखेंगे तो हमने लंबाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है, ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रिल आता है तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने टोटल लंबाई इसकी रखी है 43 इंचेस। 43 से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही है। आप 43 भी रख सकते हैं, 40 इंचेस भी रख सकते हैं, आप 35 इंच भी रख सकते हैं। ये हम 8 इंच की माता रानी के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने सेम मेज़रमेंट में अस्तर भी लिया हुआ है रेड कलर में। तो हम क्या करेंगे, अस्तर के फैब्रिक को, ये देखिए, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। हमने सीधी साइड से इसे रखा है, सीधी साइड पे हम अस्तर रखेंगे और 3 साइड से हम इसे सिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे 3 साइड से सिल दिया है, यहाँ से लेके यहाँ। येलो कलर से हमने सिलाई लगाई है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और फिर हमने ये लास्ट में से इधर से भी सिल दिया है। बस ये हमने एक साइड खुली छोड़ी है, क्योंकि हमें इसे इस तरफ से इस ऐसे करके पलट देना है। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखें ऐसे करके। और इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसे हम एक पैर की सिलाई बोलते हैं। ये देखें, लगा देंगे तो यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी अच्छी सी। चलिए हम लगा देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया। अब हमने यहाँ पे ये येलो कलर में शॉटन रिबन लिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एक बार यहाँ से लगाएंगे, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, टोटल 3 बार हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे। चलिए मैं लगा लेती हूँ, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे रिबन लगाने के बाद रिबन के ऊपर हल्का हल्का सा चढ़ाते हुए इस तरह की ये गोल्डन लेस लगा दी है। मेरे पास पतली सी थी। और इतना काम करने के बाद हमने ऊपर की साइड से ये अस्तर अपने मेन फैब्रिक को स्टिच कर दिया, जिससे हमें प्लेट डालने में आसानी रहे। अब हम यहाँ पे किस तरह से प्लेट डालेंगे, यहाँ देखिए, दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड से पकड़ेंगे और यहाँ पर बराबर करते हुए इस तरह से हमें ऐसे चौड़ी चौड़ी प्लेट डालनी है। आपको ध्यान देना है कि आप पतली प्लेट ना डालें, इस तरह से चौड़ी प्लेट डालें ऐसे करके। ये देखें ऐसे, और हम यहाँ पे इस तरह से आप प्लेट डालेंगे और इसे स्टिच कर देंगे।
ये देखिए, ये हमने यहाँ पे प्लेट डाल दी। आप देखिए हमारी प्लेट कितनी घनी पड़ी है। जब माता जी को हम इस तरह से पहनाएंगे, माता रानी को, तो ये देखिए पूरा एकदम खुल के आएगा हमारा गेट, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे अगर आप इसकी कमर देखेंगे तो मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इसकी कमर मेज़र करेंगे, तो यहाँ पे मैंने रखी है, ये देखिए लगभग 4 इंच के करीब है, 4 इंच से हल्का सा अधिक है, बट आप अगर 4 इंच भी रखते हैं तो भी ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से इसे कट कर देना है। और वैसे भी हम यहाँ पे नेफा लगाने वाले हैं, तो नेफे में अगर थोड़ी सी कमर बड़ी होती है तो हमारी एडजस्ट हो जाती है। ये हमने कट कर दिया। अब हमने यहाँ पे नेफे के लिए ये फैब्रिक ले रखा है, ये देखिए हमने चुनरी में से ही कट कर लिया। और यहाँ पे अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो हमने लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा कर ली है, 4 इंच की जगह पे आप यहाँ पे 6 इंच ले सकते हैं, बट यहाँ पे 9.5 इंच हो गई। मैंने ऐसे बिना मेज़र किए कट कर लिया है, लेकिन चौड़ाई आपको ध्यान देनी है। हमने यहाँ पे देखिए 2.25 इंच के करीब में रखी है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार इधर से फोल्ड करेंगे, और फिर बैक साइड से हम इसे यहाँ पर इस तरह से रख के और स्टिच कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा देती हूँ। हमने सिलाई लगाने के बाद यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसे कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसे जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, और फिर इसे हम पलट के फ्रंट साइड पे ऐसे सिलेंगे। बट इसे सिलने से पहले आपको क्या करना है, ये हमने डोरी ली हुई है, ये हम अपने नेफे में डाल देंगे इस तरह से, फिर हम यहाँ पर इसे ऐसे पलट के और सिलाई लगाएँगे। चलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ। कभी भी नेफे पर सिलाई लगाएँ तो अपनी सिलाई को लॉक ज़रूर करें। ये देखिए हमने यहाँ पे कमर पे सिलाई लगाने के बाद ये एक बार गोल्डन वाली लेस भी लगा दी अपनी सिलाई को कवर करने के लिए। अब आप देखिए इसे किस तरह से प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस तरह से सारी प्लेट को इकट्ठा कर लें आप एकदम ऐसे सिधाई में, एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है। ये देखिए इस तरह से हम करके इसे इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठे ही हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। आपको ध्यान देके प्रेस लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे शैटन का रिबन यूज़ किया है जो बहुत जल्दी जल जाता है, तो एकदम आप हल्का हल्का प्रेस लगाएं। पहले आप यहाँ पे प्रेस अच्छे से लगा लें, फिर आप हल्का हल्का सा प्रेस यहाँ पे भी लगा लें, तो ये आपका हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे चोली भी बना लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे ये चोली के लिए फैब्रिक ले लिया है। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई देखेंगे तो लंबाई हमने रखी है टोटल, ये देखें 12 इंच, और अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई इसकी हमने रखी है टोटल लगभग 3.5 इंच के करीब में, 3.25 इंच है। हम क्या करेंगे, इसे इधर से भी एक बार ऐसे उल्टा करते हैं, उल्टे साइड से इधर से भी एक बार फोल्ड करना है, फिर इधर से भी एक बार फोल्ड करना है 1/2 इंच के करीब में, और फिर दोनों को हमें एक दूसरे के ऊपर रख के और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ऐसे करके हम यहाँ पर इसे सिलेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिल देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार रिबन और एक बार अपनी गोल्डन वाली लेस इसके ऊपर रख के सिल लेंगे। तो चलिए यहाँ सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे रेडी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे डबल करेंगे, और डबल करने के बाद हम इसे बीच से कट कर देंगे। ये हमने बीच से कट किया। अब हम यहाँ पे एक ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दिया। अब हम इसे ऐसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे ये डोरी ली है, इसे यहाँ ऐसे रखेंगे और सिल देंगे। हमारी चोली भी रेडी हो जाएगी। अब देखिए गाइस हमारी घेर हो गई, चोली हो गया। हमने यहाँ पे दुपट्टे के लिए फैब्रिक ले लिया है। हमने नेट का फैब्रिक लिया, अरमान नेट का फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी साइन आती है इसमें। और यहाँ पे हमने इसकी लंबाई रखी है 16 इंच, और चौड़ाई 8 इंच रखी है। मैं थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊंगी जिसे अच्छे से पहना सकूँ। और इस तरह की लेस ली है गोल्डन और रेड कलर में, ये जब दुपट्टे पर लगती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो इसे हम इसके ऊपर लगाएँगे चारों साइड से। ये देखिए ये हमारा दुपट्टा भी हो गया।
चलिए मैं माता रानी को ले आती हूँ और ड्रेस पहना के दिखा देती हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही है। आप चाहें तो इस पर रेड कलर के नग भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे माता रानी को पोशाक पहना दी है। आप देखें कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस तरह की पोशाक पहनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत लंबा नहीं किया है। ये देखिए, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।